तो फाइनली इंडिया ने जीत गया एंड 1-1 से बराबरी कर लिया इंग्लैंड से। एंड भाई मैच देख के बहुत ही मजा आ गया, सच में बहुत तगड़ा फाइट हुआ इस मैच में। इंडिया के बैटिंग के शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल ने एक डबल सेंचुरी मार के प्रूव कर दिया कि क्यों उसको टीम इंडिया में इतना अच्छा बेहतरीन पोजिशन में खेलने को दिया गया है। एंड भाई शुभमन गिल भी एक सेंचुरी मार के अपने कैरियर कुछ दिन के लिए और बचा लिया और अच्छा खेल रहे वो भी। इंग्लैंड का सेकेंड बैटिंग में मैच थोड़ा अटक गया था, लग रहा था कि वो लोग थोड़ा निकाल देंगे क्योंकि 50 रन से भी ज्यादा पार्टनरशिप हो गया था। बट भाई बुमराह ने ऐसा बॉलिंग किया कि पूरा उन लोगों का कमर ही तोड़ दिया। एंड भाई वर्ल्ड कप से पहले 2024 के इंडिया टीम का इतना अच्छा फॉर्म देख के सच में भाई मजा आ रहा है। स्पेशली यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, बुमराह सब लोग अच्छा खेल रहे हैं। तो भाई इंडिया ने तो सेकेंड मैच जीत लिया, तीसरा मैच में देखते हैं क्या होता है, शायद तब तक विराट कोहली भी टीम में आ जाए तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।